वेलकम माय यूट्यूब चैनल ब्यास नारायण मिश्र हम डिस्कस कर रहे हैं नेट सेट और जे में जो इम्पोर्टेंट फार्मूला होते हैं उनका हम आज डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स का सॉलिड स्टेट फिजिक्स के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है उनका हम डिस्कस करेंगे फार्मूला हम बता रहे हैं तो फर्स्ट है फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इन वन डायमेंशनल वॉक्स वन डायमेंशनल बॉक्स में फ्री इलेक्ट्रॉन गैस का फार्मूला क्या होगा ये फार्मूला ठीक उसी तरह से होता है जैसे पार्टिकल अ बॉक्स का होता है तो पार्टिकल अ बॉक्स का फार्मूला और वन डायमेंशनल बॉक्स में फ्री इलेक्ट्रॉन गैस का जो फार्मूला होगा वो सेम होगा तो इसके जो वेव फंक्शन का फार्मूला होता है वेव फंक्शन का हो जाएगा साई एन एक्स इक्वल टू रूट टू अपॉन एल साइन एन पाई एक्स अपान एल जहां पर ये रूट टू अपान एल जो है ये नॉर्मलाइज्ड फंक्शन है ये नॉर्मलाइज्ड वेव नॉर्मलाइज्ड फंक्शन है तो वेव फंक्शन का फॉर्मूला ये हो जाएगा फिर अगर इसी के इनर्जी के लिए देखें तो वन डायमेंशनल में इनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा ई एन इक्वल टू एन एच स्क्वायर अपॉन ए टेम एल स्क्वायर ये वन डायमेंशनल के लिए आइगन वैल्यू या एनर्जी आइगन वैल्यू का ये फार्मूला होगा यहां पर हम एन की वैल्यू जीरो नहीं ले सकते यहां की वैल्यू हम वन टू थ्री इस तरह से लेंगे एन इक्वल टू जीरो सिर्फ हार्मोनिक ऑसिलेटर में चलता है इसको अपने को ध्यान रखना है हार्मोनिक ऑसिलेटर में एन इक्वल टू जीरो का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट लेकिन यहां जो है ग्राउंड स्टेट एन इक्वल टू वन से चलेगा अब फ्री इलेक्ट्रॉन गैस को यदि हम थ्री डायमेंशनल बॉक्स में देखते हैं तो थ्री डायमेंशनल बॉक्स के लिए क्या हो जाएगा थ्री डायमेंशनल बॉक्स के लिए जो बेओ फंक्शन का फार्मूला होगा वो होगा ये फार्मूला हो जाएगा साई एन एक्स एट अपान एल क्यूब रूट एक्चुअल में वन डायमेंशनल में जैसे यहाँ दिया है रूट टू अपान एल तो थ्री डायमेंशनल में भी रूट टू अपान एल तीनों में आएगा तो टू इंटू टू इंटू टू इंटू एट हो जाएगा ये और एल इंटू एल इंटू एल ये एल क्यूब हो जाएगा और जैसे एक्स डायमेंशन में एन पाई एक्स अपॉन एल है तो इसमें एक्स डायरेक्शन में एन एक्स पाई एक्स हो गया फिर बाई डायरेक्शन में जो है यही हो जाएगा एन बाई पाई वाई और जेड में हो जाएगा एन जेड पाई जेड तो ये थ्री डायमेंशन के लिए वेव फंक्शन का फार्मूला हो गया अब थ्री डायमेंशन के लिए यदि हम इनर्जी लेवल देखें तो ये ई एन इक्वल टू हो जाएगा एच क्रॉस स्क्वा टू एम ये हो जाएगा एन स्क्वायर एक्स प्लस एन स्क्वायर बाई प्लस एन स्क्वायर जेड ये हो जाएगा थ्री डायमेंशनल के लिए इनर्जी लेवल का फार्मूला इनर्जी आइगन वैल्यू का ये जो साइन वाला थ्री डायमेंशन का फार्मूला है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ इस तरह लिख सकते हैं साई एन आर चूंकि थ्री डायमेंशन के लिए एक्स बाई जेड के लिए आर हो जाएगा और ये हो जाएगा वन अपान भी एल क्यूब को हम क्यूब एल क्यूब को भी लिख देंगे तो वन अपॉन भी वन अपॉन टू रूट हो जाएगा और ई टू दावर आई एन डॉट आर एन डॉट वेक्टर आर तो हम इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं इस तरह से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिख सकते हैं वेव फंक्शन को अब फ्री इलेक्ट्रॉन गैस का टी क्वल टू जीरो केलविन पर एप्सोल्यूट जीरो पर हम फर्मी एनर्जी देखते हैं तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा ई एफ जीरो जीरो यहां जीरो का मतलब हम एब्सोल्यूट इक्वल टू जीरो पर हम देख रहे हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम थ्री पाई स्क्वायर एन अपान भी की पावर टू बाई थ्री ये हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन गैस के लिए एब्सोल्यूट जीरो पर फर्मी एनर्जी लेकिन इसका डायमेंशन क्या होगा यह थ्री डी में है यह थ्री डी में हो जाएगा एच क्रास स्क्वायर अपान टू एम थ्री पाई स्क्वायर एन अपान भी टू अपान थ्री ये थ्री डायमेंशन में हो जाएगा इसी के लिए जो एवरेज एनर्जी है एब्सोल्यूट जीरो पर जो एवरेज इनर्जी का फार्मूला होगा ये हो जाएगा थ्री अपान फाइव ई एफ जीरो भी थ्री डायमेंशन में है अगर इसको हम टू डायमेंशन में लिखें तो टू डायमेंशन में ये वैल्यू हो जाएगी यहां लिख देते हैं टू डायमेंशन में हो जाएगा ये टू अपान टू प्लस टू एफ e जीरो मतलब यह हो जाएगा वन पॉइंट टू ई एफ जीरो हो जाएगा टू डी में यह एवरेज एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा टू डी में इसको हम वन डी में भी लिख सकते हैं तो वन डी में इसका फार्मूला होगा वन डी में इसका फार्मूला हो जाएगा एवरेज एनर्जी का एब्सोल्यूट जीरो पर वन अपान थ्री ई ई एफ जीरो इसका रीजन ये है कि इसका जो एक ट्रिक होता है ये एवरेज एनर्जी का ट्रिक होता है डी अपान डी प्लस एस ई एफ जीरो अगर वन डायमेंशन है तो डी इक्वल टू वन कर देंगे यस का मतलब है अगर हम फर्मियांस लेते हैं अगर हम फर्मियांस लेते हैं तो फर्मियांस के लिए एस इक्वल टू टू रखा जाता है और अगर हम मेसान लेते हैं जैसे फोटान है है ना बोसान लेते हैं मेसान नहीं बोसान क्योंकि मेसान भी एक बोसान ही है तो यदि हम बोसान लेते हैं बोस बोसान पार्टिकल लेते हैं तो इसके लिए एस इक्वल टू वन हो जाएगा तो यदि इसी को हम बोसान के लिए देखें तो बोसान के लिए जो एवरेज एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा वन डायमेंशन में तो चूंकि बोसान के लिए सिक्वल टू वन होगा तो वन डायमेंशन में करेंगे तो यहां भी वन 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 तो ये हो जाएगा वन डायमेंशन में वन पॉइंट टू ई एफ जीरो अब डिफरेंस क्या है कि ई वन पॉइंट टू ई एफ जीरो ये टू डायमेंशन में होता है फरमियांस के लिए लेकिन यहाँ जो है वन डायमेंशन में है फिर अगर हम बोसान को टू डायमेंशन में लें तो यहाँ हो जाएगा टू डी की जगह टू रखें एस की जगह वन रखें तो ये हो जाएगा टू अपान थ्री ई एफ जीरो ये सब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर है और यदि हम थ्री डायमेंशन में देखते हैं बोशान के लिए तो ये हो जाएगा थ्री अपान फोर ई एफ जीरो ये बोशान के लिए हो जाएगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर अब हम देखते हैं लंडन इक्वेशन चूंकि हम सार्ड स्टेट के जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है वही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो लंडन इक्वेशन क्या इसके दो इक्वेशन होते हैं पहला इक्वेशन होता है डी जे अपॉन डी टी इक्वल टू एन ई स्क्वायर अपॉन एम ई एक ये लंडन इक्वेशन होता है और दूसरा लंडन इक्वेशन होता है जे इक्वल टू माइनस एन ई स्क्वायर अपॉन एम सी ए जहां ए जो है ये वेक्टर पोटेंशियल है तो ये लंडन इक्वेशन हो गया फिर है लंडन पेनेट्रेशन लंडन पेनेट्रेशन के भी दो फार्मूला होता है एक थियोरेटिकल होता है और एक प्रैक्टिकल होता है तो थ्योरेटिकल लंडन इक्वेशन का फार्मूला वो लंडन पेनेट्रेशन का फार्मूला होता है लेमडा इक्वल टू एम सी अपान एम तो सी फोर पाई एन ई स्क्वायर की पावर वन अपॉन टू ये जो है थ्योरेटिकल है लंडन पिनटेशन का और जो इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है वो होता है लेमडा इक्वल टू लेमडा जीरो लेमडा जीरो का मतलब एप्सोल्यूट टेम्परेचर पे जो बेब लेंथ होगा और लेमडा का मतलब किसी पर्टिकुलर टम्परेचर पर जो बेब लेंथ होगा तो ये हो जाएगा वन माइनस टी अपान टी सी क्या है एक क्रिटिकल टेम्परेचर है टी अपॉन टी सी की पावर फोर तो ये लंडन पेनेटेशन के दो फार्मूले हुए अगला फार्मूला है इफेक्टिव मास का इफेक्टिव मास एम को एम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं इसका फार्मूला होता है एच क्रास स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर फिर है मेटल की कंडक्टिविटी इसका फार्मूला होता है सिग्मा एन स्क्वायर टाउ अपॉन एम इसी को हम लिख सकते हैं एनी स्क्वायर लेमडा भी या सिक्स के टी यहाँ से ये क्लियर होता है कि जो कंडक्टिविटी है वो चार्ज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा मतलब जितने अधिक चार्ज होंगे कंडक्टिविटी उतनी ही अधिक होगी और जो कंडक्टिविटी है वो टम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसका मतलब यदि टम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी मेटल की और टम्परेचर कम होगा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है तो इसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट नहीं होगी क्योंकि मतलब ये जो टेम्परेचर, टेम्परेचर घटेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर अगर ज़ीरो हो जाएगा तो कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होगी क्योंकि एक लिमिटेड रंज तक अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तभी कंडक्टिविटी बढ़ती है इसके बाद एक क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा कम हो जाता है तो कंडक्टिविटी फिर बढ़ती नहीं है बढ़ने की जगह घटने लगती है क्योंकि जो मेटल की रजिस्टिविटी है एक एब्सोल्यूट टम्परेचर पर कांस्टेंट होती है इसलिए एब्सोल्यूट टम्परेचर पर इसकी कंडक्टिविटी भी कॉन्स्टेंट हो जाएगी तो इस तरह से हमारे वीडियोज़ कंटिन्यू आते रहते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें थैंक यू वेरी मच